नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और ये मेला लगा हुआ है सौरव जी का, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेला किस तरीके का लगा हुआ है और कितने घोड़ा घोड़ी अभी तक इस मेले में आ चुके हैं। ये टोटल सेल परचेज वाले घोड़ा घोड़ी इस मंडी में आते हैं, और अधिकतर जितने भी व्यापारी लोग हैं सब इस मंडी में आते हैं। यूपी का कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा व्यापारी हो, इस मंडी में ज़रूर आता है। और आप देख सकते हैं अभी मंडी में लगभग 1000 से ऊपर घोड़ा घोड़ी आ चुके हैं। और ये यूपी की बहुत पुरानी मंडी है, लगभग जो लोगों ने बताया है 30-40 सालों से ये मंडी लगती हुई आ रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे नुकरे, मारवाड़ी और पंजाब के भी बहुत सारे लोग इस मंडी में आए हुए हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस मंडी में किस किस तरीके के घोड़ा घोड़ी अभी तक मंडी में आए हुए हैं। क्या सफाई चल रही है क्या? ये देख सकते हो आप, ये सेल परचेज के हिसाब से बच्चों को दौड़ कर दिखाया जा रहा है। क्या बच्चा ले रहे हो क्या? घोड़ा लेने बेटा। क्या ले रहे हो? घोड़ा लेना है बेटा। घोड़ा लेने आए हो? तो लिया क्या अभी तक कुछ? अभी लिया। नहीं लिया, लिया ना भाई। तो महंगा है क्या? अरे महंगा है क्या? बहुत ज्यादा महंगा। ज्यादा महंगा है। तो बच्चा कैसा, नुकरा लेना है कि काला? कहाँ से लेने आए हो? हापुड़ से। एक ही बच्चा लेना है बस? नहीं, कई लेने हैं। अच्छा, कई लेने हैं। तो सेल परचेज वाला काम है क्या अपना? सेल परचेज का। ओके भाई साहब, ये तो भाई पिस्तौल लेके आया मेले में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मंडी थोड़ी इतनी सुविधाओं से युक्त नहीं है, पर हाँ ये है कि बहुत पुरानी मंडी है। और घोड़ा घोड़ियों के हिसाब से आप इस मंडी से भी घोड़ा घोड़ी बच्चे वगैरह जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इधर बच्चे वगैरह हैं। अब लग घोड़ा घोड़ी सब आपको मिलेंगे। इधर ये छोटे बच्चे हैं मेरे हिसाब से 3-4 मंथ 2 मंथ के। ये यूपी के बिस्तर हैं जो घोड़ों को सर्दियों में दुबकाने का काम करते हैं। जो ये बोरी होती है इसको घोड़ों के ऊपर बांध दिया जाता है। इस बोरी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है, तो व्यापारियों के लिए ये बोरी ही बच्चों के घोड़ों के कवर का काम करती है। आप देख सकते हो मंडी में बहुत तादाद में घोड़ा घोड़ी आए हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं सब बच्चे ही हैं। कहाँ से आए हुए हैं भाई साहब? हाथरस से आया। हाथरस से आए हैं क्या? अरे अरे अरे, कितने बच्चे वगैरह लाए हो? लाए हैं 10। सेल कर दी क्या कुछ? हाँ, 2-3 सेल कर दी। अच्छा, 2-3 सेल कर दी। कैसी लग रही है मंडी इस बार? तो हल्की लग रही है। हल्की लग रही है, पर मेरे हिसाब से लगता है बच्चे बच्ची तो बहुत आए मंडी में। माल तो ना आया, कम आया पहले से। पहले से कम आया, तो अभी इसके बाद में कहाँ मंडी लगने वाली है? सारंगेड़ा जाने वाले हो? सारंगेड़ा। तो कन्फर्म है लगेगी? हाँ लगेगी तो सही। अब देखो। अच्छा, अभी तक कोई अपडेट नहीं है? नहीं, कोई फाइनल है? चलो बढ़िया। कब आए मंडी में? कल आए। कल आए थे? बच्चे बच्चे लेके आए हो अधिकतर, है ना? चलो चलो बढ़िया। कितनी रेट से कितनी रेट तक के बच्चे वगैरह लाए हो? इसमें हैं 50-60 लाख। अच्छा, ये सब अपने ही हैं, बंद रहे? हाँ, अपने ही। ओके, क्या नाम है अपना? चांद फौजी। फौजी। और मोबाइल नंबर क्या है अपना? मोबाइल नंबर दे दीजिए अपना। 84-45-21-17-61। ओके, बाकी धूप थोड़ी कम निकल रही है ना? यूट्यूब पर फोटो डाल देना। यूपी के व्यापारियों को रहता है कि भाई यूट्यूब पर डाल देना, तो चलो इनका वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, ताकि आप देख सकते हो। इधर भी घोड़ा घोड़ी बहुत बंधे हुए हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कैसे कट्टे पे बैठे हो? बैठे हैं। गर्लफ्रेंड की याद तो नहीं आ रही? नहीं है? नहीं। तो फिर कैसे बैठे हो? कितने घोड़ा घोड़ी लाए हो? 3। 3 नौकरे? नौकरी। कहाँ से आए हो? हाथरस से। हाथरस से?
कब आए थे? कल आए। मेरे को बता दे, मैं भी साथ आ जाता तुम्हारे। ऐसा मुझे बता दे। मैं दोस्तों देख सकते हो आप, ये भी सारे बच्चे ही बच्चे इस मंडी में हैं। मंडी दोस्तों काफ़ी बड़ी लगी हुई है, तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे वीडियो के रूप में ये मंडी दिखाता रहूँगा। बाकी आप देख सकते हैं ये इधर, इस बार पिछली बार भी मैं इस मंडी में आया था, पर मेरे को लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा अच्छी मंडी इस बार लगी हुई है। बाकी का हम देखते हैं पार्टों में वीडियो को, किस तरीके की मंडी लगी हुई है और क्या है दाम घोड़े घोड़ियों के। जो भी लोग इस मंडी में आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये मंडी कासगंज से 14 किलोमीटर दूर सौरोजी में लगती है और 3-4 दिन और ये मंडी चलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।